माहौल को थोड़ा मैं उदास नहीं करना चाहती, मैं बड़ी निखरी हुई हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरे तजुर्बे करके मैं आई हुई हूँ, पूरे तजुर्बे जिन्हें कहते हैं, निखरी हुई हूँ पूरी तप के पहले से ही। क्या कुछ ऐसा पूनम पंडित झूठ बोल रही है जो सरकार पूरी तरीके से पूनम पंडित की जुबान को रोकना चाहती है, मुंह बंद करना चाहती है? यानी किस दुविधा में वो हैं, हम तो चिंतित हैं उनके लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंतित हैं कि किस दुविधा में वो हैं, जो हमें नहीं पता था। भाई और बहनों में मित्रों मित्रों रहेगा बस, हमें नहीं पता था इस बात का। ऐसा क्या हो गया देश में कि प्रशासन को परेशान कर दिया शासन ने, पूनम पंडित ने क्या सिस्टम बिगाड़ दिया है, कर क्या दिया पूनम, 24 साल की लड़की ने क्या कर दिया। आप इतना डराइए धमकाइए मत, मेरे घर भी आप लोग गए हैं, अनुरोध है आपसे, सीओ सिकंदराबाद मैम, मेरा अनुरोध है आपसे कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार आदाब, मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित जी, जो लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा रही हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मीडिया वॉइस। धन्यवाद, बहुत बहुत। मैम क्या लगता है, आज 10वें दौर की भी मीटिंग खत्म हो चली है और एक बार फिर तारीख दे दी गई है, और उस तारीख को क्या लगता है फिर ये टाली जाएगी तारीख आगे? कोई बात ना, एक आधे तो टाले कर रही है, इनका तो थोड़ा सा काम सा हो गया इसमें, टाल रहे हैं टालन दो, पर कोई दिक्कत ना, बात में थोड़ा सा हो सके विचार करने में, जो इनकी बैठक है उसमें थोड़ा सा इनको ज़्यादा टाइम लग रहा, तो समय देना चाहिए। कोई भी काम है एकदम शांति से करना चाहिए, सहयोग से करना चाहिए, तो हम इन्हें टाइम दे रहे, कोई हमारी गलती है इस बात में, या बात पर भी कोई मुकदमा बना है किसानों ने टाइम दे दियो? तो कहीं ना कहीं सरकार की ये ऐसी चाल तो नहीं है कि हम सरकार को टाइम पर टाइम देते रहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार किसान जो है वो परेशान हो जाएंगे, आधे किसान अभी चले जाएंगे, आधे जो किसान है वो वापस बाद में चले जाएंगे। देखो ये आंदोलन जिस दिन से चला उस दिन से आप हमारे साथ हैं सभी लोग, आपको कहीं भी उम्मीद लग रही है कि जिस दिन से आंदोलन चला इसमें कम हो रहे हैं लोग, बढ़ रहे हैं? और तो अगर ये गलत फहमी किसी को भी है जो इस बिल का सहयोग करते हैं, उन लोगों को स्पेशल मेरी हिदायत है कि अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम पे टाइम बढ़ाते रहेंगे और परेशानियां आप देते रहेंगे तो ये आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, तो हिदायत है मेरी आपको, थोड़ा सा आप समझें इस बात को कि इसमें सहयोग और बढ़ने वाला है, और 26 जनवरी के बाद देखिएगा और ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो मैम 26 जनवरी को कुछ ही दिन बाकी हैं, किसानों का भी ये कहना है कि हम ये रैली कर रहेंगे, चाहे वो सरकार के सामने, किसानों के सामने फौज आ जाए, जवान आ जाए, आमने सामने होंगे इस बार किसान और देश के जवान। ये बात जवानों को भी देश के हमारे समझनी चाहिए, ये लोग हमें आमने सामने कराना चाह रहे हैं, ठीक है, उनसे अनुरोध है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा नहीं है कि आंदोलन किसान नहीं कर सकता, कर सकता है आंदोलन, कर सकता है, ये उनके ऊपर बात इसलिए आई है ताकि आप लोग हमारी जो नज़र है, हमारा नज़रिया आपके थोड़ा खिलाफ हो जाए, तो आपसे अनुरोध है किसान आना चाह रहे हैं आप आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कहा किसान आंदोलन कर सकता है, उसका अधिकार है, हक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिए, पुलिस दिल्ली पुलिस जो प्रशासन जितना भी लगा हो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा कि किसान आंदोलन गलत कर रहे हैं या किसान गलत हैं, तो आप लोग क्यों इस बात को कह रहे हैं बार बार, आप क्यों अपने सिर पे इस बात को लाना चाह रहे हैं कि किसान गलत है, आप भी मत लाइए भैया, उन्होंने नहीं कहा तो आप सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, तो तुम भी मत लेकर आओ, तुम भी सहयोग करो इनका, धीरे धीरे से आराम से सारे काम होवेंगे, 26 जनवरी इतना बड़ा त्यौहार है देश का, सफल बना लेंगे इसे। हम क्या कुछ कहना चाहती हैं मीडिया वॉइस के जरिए आप? मीडिया वॉइस जो लोग आना चाहते हैं किसान, जो खेतों में किसान काम कर रहे हैं इस वक्त, तो गांव के लगातार चंदा हो रहा है गांवों में और वो यहां पर आना चाहते हैं, उन्हें रोका जाएगा तो उस तरीके? देखिए अनुरोध है मेरा, रोक के ना उन्हें, क्योंकि इस बात का जो मोहर है सुप्रीम कोर्ट लगा चुका, मैंने अभी आपको बताया कि किसान आंदोलन कर सकता, उनका अधिकार है, किसी लोकतंत्र में नहीं लिखा कि किसान आंदोलन नहीं कर सकता। लेकिन देखिए आप इतना डराइए धमकाइए मत, मेरे घर भी आप लोग गए हैं, अनुरोध है आपसे सीओ सिकंदराबाद मैम, मेरा अनुरोध है आपसे कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, आप अपने पद को अलग रखना, पूनम पंडित को अलग रखना, ध्यान ज़्यादा वहाँ लगाएं, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर 600 घर बना के चाइना ने गांव बसा दिया, वहाँ ध्यान लगाएं, अनुरोध है मेरा वहाँ ध्यान लगाएं सभी लोग, और जो हमारे देश में ये हो रहा है ये तो हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के जो हमने मेन मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे किसी चीज़ की अपील कर रहे हैं, अधिकार उनसे अपना मांग रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, अपने परिवार में सब अपील करते हैं, अपने परिवार से सब रिक्वेस्ट करते हैं, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा बड़ा वो है 600 घर बना के जो गांव बसा दिया चाइना में, उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान मत दीजिए, तो घर है जब मर्जी बात कर लेना, आंदोलन सभ्यता से चल रहा है, सही चल रहा है, चलन दीजिए इसको, वहाँ ज़्यादा स्पेशल ध्यान दीजिए, अनुरोध है मेरा। मैम पूनम पंडित लगातार
चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठा रही है। क्या कुछ ऐसा पूनम पंडित झूठ बोल रही है जो सरकार पूरी तरीके से पूनम पंडित की जुबान को रोकना चाहती है, मुंह बंद करना चाहती है? देखिए, सरकार के कहने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन मेरा देश का किसान, मेरे देश का युवा महिलाएं अगर कह देंगी पूनम पंडित ने किसानों का सहयोग गलत किया, पूनम पंडित ने गलत कहा, तो मैं उस दिन मान लूंगी कि हाँ, मैं गलती कही, मैं गुनहगार हूँ, और मैं उनसे बोल दूंगी कि आज के बाद मैं किसी आंदोलन को सहयोग नहीं करूंगी। अपने करेंगे, खावेंगे, कमावेंगे, जैसा पहले से करते आ रहे। देखा किसी आंदोलन में आपने मुझे? नहीं देखा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में पॉपुलरिटी नहीं चाहती। देखा आपने कभी मुझे किसी नेता का सहयोग करते हुए? नहीं देखा, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ये मुद्दे की बात आई हमारे, क्योंकि हम भी अन्न खावे हैं, किसान परिवार से हैं, और बचपन में ABCD सिखाई जावे, आदमी बुढ़ापे लोग भूलता नहीं। तो मैंने बचपन में खेती कर रखी है, दुख दर्द कष्ट महसूस कर रहा था 9 साल की उम्र में। समझदारी के लिए आपको बता दूं, मेरी माँ ने खेतों में मजदूरी कर रखी, अपने भी कर रखी और अड़ोसी पड़ोसी के भी कर रखी, 40 रुपये में चंद सहयोग कर रखा। तो ABCD जैसे बच्चा बचपन में नहीं भूलता ना, वैसे मैं नहीं भूलने की क्या कष्ट हो मैं खेती में। इसलिए आना पड़ा, बोलना पड़ा, सहयोग मिला मीडिया का, सहयोग मिला किसानों का, किसान देश का युवा, देश की महिलाएं कहेंगी हाँ, पूनम पंडित ने गलत किया किसानों के पास जाकर, किसानों की आवाज़ को अपने जरिए पुछाकर, उस दिन गलती मान लूंगी। तो मैम, जब आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपके घर पर आप बता रही हैं कि पुलिस गई है, आपको किसान आंदोलन में आने के लिए रोका गया है, आपको घंटों बिठा लगा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मीडिया में, वो रिकॉर्डिंग भी वायरल है बहुत ज्यादा, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बात उनसे पूछ के मुझे कल बताना मेरे भाई, मैं ही इंतजार आपका करूंगी कि वो क्यों रोकना चाहते। मामला कहां फंस गया? ऐसा सिस्टम क्या बिगाड़ दिया पूनम पंडित ने? ऐसा क्या हो गया देश में कि प्रशासन को परेशान कर दिया शासन ने? पूनम पंडित ने क्या सिस्टम बिगाड़ दिया है? कर क्या दिया पूनम? 24 साल की लड़की ने क्या कर दिया? मैं भी जानना चाहती हूँ भाई, ऐसा क्या किया जो शासन दबाव बना रहा प्रशासन पर? मेरे बाबा रो रहे थे, वो पुलिस में थे, बेटा तुझे रोकने के आदेश है। बाबा, पुलिस को अलग रखिए, आप जो पुलिस की नौकरी करते हैं उस पद को अलग रखिए, मानवता के नाते बताइए क्या पूनम पंडित ने गलत किया? आंखों में से आंसू आने लगे, कह रहे बेटा सैल्यूट है तेरे काम को कि तूने बुजुर्गों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, युवाओं का सहयोग किया, सैल्यूट है तेरे काम को। तो मैं उन बाबा जी की बात को कैसे भूल सकती हूँ? तो ऐसा क्या कर दिया 24 साल की लड़की ने जो सारा सिस्टम परेशान कर दिया, पूरे पुलिस को परेशान कर दिया इन लोगों ने? गलत किया, बेचारे घर जा रहे हैं। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पूरे प्रशासन को मेरा धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के कि आप अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, आप अपना करिए, सैल्यूट है आपके काम को। मैम, इतना हौसला कहाँ से आता है आपके अंदर? इतना ज्यादा हौसला, मतलब पहले दिन कदम से कदम किसानों के साथ लेकर चल रहे हैं, सरकार और मीडिया लगातार आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। सच के लिए जिस दिन बोलेंगे ना, तो हौसला रूबरू खुद आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं बड़ी आपको बता दूं, मैंने पहले भी माहौल को थोड़ा, मैं उदास नहीं करना चाहती, मैं बड़ी निखरी हुई हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरे तजुर्बे करके मैं आई हुई हूँ, पूरे तजुर्बे जिन्हें कहते हैं, निखरी हुई हूँ पूरी तप के पहले से ही। ये अलग बात है कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहती थी, पूरा मेहनत करके, मजदूरी करके, दूसरों के घर में बर्तन लत्ते धो धा के, अपने परिवार को चला के निखर के आई हूँ। और बिखरूंगी नहीं तो निखरूंगी कैसे? और निखरूंगी नहीं तो सच कैसे बोलूंगी? और सच नहीं बोलूंगी तो देश का सहयोग कैसे करूंगी? देश का सहयोग नहीं करूंगी तो उद्धार कैसे होगा देश का? मेरे जैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए देश का। मैम, प्रधानमंत्री भी तो देश का उद्धार कर रहे हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने सबका विश्वास भी जीता। देखिए, मेरी बात सुनिए बड़े भाई, अच्छी बात है, विश्वास जीता हमने भी, हर हर मोदी घर घर मोदी खूब करी, लेकिन सबका साथ आज तो वो हमारे ही साथ नहीं है। यहाँ हो रहा था, हर बॉर्डर पे जाते, हर बॉर्डर के कोई हम उन्हें हमारे अपने हैं, हम उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट थोड़ी करते। आप लोग करते क्या किसी को प्रॉब्लम? नहीं करते ना, सबसे बात करते, कहते आप लोग क्या चाहते हैं बताइए। किसान है ये, इतने दिल से उन्हें बनाया, इतने दिल से उन्हें बिठाया, हर हर मोदी घर घर मोदी। मैंने BJP को वोट नहीं दी बाबा, मैंने मोदी जी को वोट दी। मैंने मोदी जी को वोट इसलिए दी, मोदी जी आएंगे, विकास लेके आएंगे। हमें नहीं पता था भाई और बहनों में मित्रों मित्रों रहेगा, बस हमें नहीं पता था इस बात का। बाकी कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, पता नहीं किस दुविधा में वो हैं, हम तो चिंतित हैं उनके लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंतित हैं कि किस दुविधा में वो हैं, जो किसानों से मिलना नहीं चाहते, काले कानून वापस नहीं लेना चाहते, चिंता जताते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप जो आपकी चिंता का विषय है, आप जनता के सामने आइए, रुक जा रहे हैं, इस कानून को वापस नहीं लेना चाह रहे हैं, बताइए, हम आपकी पूरा सहयोग करेंगे। अभी किसान इतना सक्षम है कि आपकी चिंता के विषय को सुन सकता है, आपकी जो दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें मद्देनजर रख के आपके सपोर्ट में रह सकता है, बताइए तो सही, ये सब सुनना चाहते हैं।